ये जिगरा को ना सपने आते रहते हैं और उसे लगता है कि उसके सपने सच हो जाते हैं। तो उसके सपने में ऐसा है कि अगर मैं दूध वाला बनूंगा गांव वाला तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अब पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक होता है उसका। और जब जिगना को सपना आता है तो भाभी उसका साथ देने लगती है कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो बकुल बेचारे के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, बोलते ठीक है चलो यार कर लेता हूँ। तो इसलिए वो अभी दूध वाला बन गया है, नौकर, दूध वाले से अभी नौकर बन गया रंजीत के घर पे, और आगे पता नहीं क्या क्या बनेगा। सो बस दिस इज़ ऑल अबाउट राइट नाउ। तो जिगना के सपनों ने बकुल को जोरू का गुलाम बना दिया है, कह सकते हैं। जिगना के सपनों ने बनाया है, मेरे हालात ने बनाया है मुझे गुलाम, और भगवान ने भी ये पूरा कांड किया हुआ है मेरे खिलाफ। सो वो गाय इज जस्ट स्टक। और ये ऐसे नहीं कि एक दिन भी इसकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि ये कभी आराम से कुछ, ये कभी कुछ ना कुछ कराती रहती है दोनों बीवियाँ इससे। सो बकुल सच्ची में फंस गया है अभी। सो लेट्स सी। अच्छा फंसने की बात करें तो एक ही साथ दोनों बीवियाँ आ गए, एक ही घर पे नौकर है और दूसरी साथ देने के लिए नौकरानी बन के आ गई है, तो बकुल क्या करेंगे? तो बकुल क्या कर सकता है बेचारा, मतलब उसके हाथ में कुछ है? कभी वो करता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो बस अभी मतलब कैसे भी करके कोई भी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता रहता है, एंड टाइम पे सिचुएशन में पहुंच जाता है और उससे पलट देता है, यू नो कुछ ना कुछ किसी का माइंड डाइवर्ट कर देता है। पर अभी एक जो बुआ आ रही है रंजीत, मतलब रंजीत की बहन आ रही है, तो शीना की जो बुआ है वो आके और हल्ला करेगी और मतलब परेशान करेगी। और बस मैं यही देख रहा हूँ कि कैसे मैं बचूँ इनसे। तो